नमस्कार, आदाब। कैसे आप सब लोग? आपका स्वागत है हयात एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस में। राइट गाइस, तो आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमने लास्ट क्लास में अपना 11th क्लास के सिलेबस का बखूबी तरीके से प्रारूप ले लिया था, यानी कि उसका एक ओवरव्यू ले लिया था। जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि गाइज़ मैं आपको 14 चैप्टर्स कराने वाला हूँ, जो हमारे पास दो बुक्स में कवर होते हैं, राइट? वो दो बुक्स, एक मैंने बुक वन का नाम दिया, एक मैंने बुक टू का नाम दिया, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में मेरे पास 7 चैप्टर्स है और पार्ट टू में मेरे पास 7 चैप्टर्स है। मैंने अपनी केमिस्ट्री की ब्रांच को 3 ब्रांच में कल बांटा हुआ था। एक मैंने बताई थी फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स की चीज़ों को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं और केमिस्ट्री से कोरिलेशन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री टूल होता है चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, उनमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कि क्या कितना कितना, जब ये वर्ड कितना आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, तब बात करता है फिजिकल केमिस्ट्री, बाखूबी तरीके से अपना रोल अदा करता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जहाँ पे हम केवल कार्बन के बारे में बात करेंगे, राइट? उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हमारे पास उस पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे एक्सेप्ट कार्बन, वो हम सब लोग स्टडी करने वाले हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? राइट गाइज, तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि मैं आज अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर का नाम जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है गाइज? पहले चैप्टर का जो मेरे पास नाम आता है वो नाम आता है गाइज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर के बारे में अपनी कहानी को शुरू करेंगे गाइज, अपनी कहानी को शुरू करेंगे गाइज, आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे गाइज। जैसे कि चैप्टर में बताया गया है कि कुछ बेसिक चीजें, देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, राइट, अगर मैं आज तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं तो उसको पढ़ने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा गाइज। अब बेसिक कुछ भी हो सकता है यार, बेसिक का ना कोई मतलब क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि क्या हमारे पास बेसिक है। तुम्हें जो चीज नहीं आती वही बेसिक है, या जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट मुझे यहां पढ़ने वाली है वो सारी चीजों को बेसिक मानने वाला हूं, राइट? तो बेसिक की बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी रिक्वायरमेंट्स मुझे अपनी केमिस्ट्री में आगे फर्दर पढ़ने वाली है। तो पहले मैथमेटिकल टूल की बात करते हैं, लॉगरिथम। किसकी बात करते हैं गाइज? लॉगरिथम, यानी कि आज हम एक ऐसी स्केल पढ़ने वाले हैं जहां पे हम बड़े से बड़ी वैल्यूज के नंबर को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, यानी कि सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने अब तक एक नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, राइट? ये आपका नंबर सिस्टम है, मैं इसको लिख भी देता हूँ गाइज। आपने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक, आगे भी चलता है 100, इनफाइनाइट तक चलता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट तक, जितना भी करो उतना ही छोटा है। ये होता है आपका नंबर सिस्टम। अब एक लॉगरिथम जो है ये एक तरह का ऑपरेटर है गाइस। क्या है? एक तरह का ये ऑपरेटर है, राइट गाइस? क्या है? ये ऑपरेटर है। मतलब कि आपने 7th 8th क्लास में कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा, है ना? एक कंप्यूटर सब्जेक्ट हुआ करता था, उस कंप्यूटर में हमें पढ़ाते थे बाइनरी सिस्टम, बिट सिस्टम, है ना? उस बाइनरी सिस्टम बिट सिस्टम में चाहे आपके पास कोई भी नंबर है, वो बाइनरी सिस्टम केवल 1 और 0 में ही बात करता था। या तो उसे केवल 1 के बारे में पता था या उसे केवल 0 के बारे में पता। आप उससे कुछ ही पूछ लो, वो 0 1 0 0 0 1, ऐसे कुछ कितने बड़े नंबर को 0 1 0 0 1 1 1 0, ऐसे ऐसे कितने बड़े नंबर को वो केवल और केवल 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करता था। यानी कि उसके लिए केवल दो ही संख्याएं थी, दो ही नंबर एग्जिस्ट करते थे, आइदर दैट इज 1 और दैट इज 2 और बोथ, आइदर 1 आइदर 0 और बोथ, क्लियर? ऐसे ही लॉगरिथम भी होता है। क्या होता है गाइज? लॉगरिथम होता है जब हम किसी सिस्टम पे, यानी किसी नंबर पे लॉगरिथम को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यूज को एक अलग स्केल मिल जाता है, एक अलग तरह का नजरिया मिल जाता है। जैसे कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइज? लॉग से। ऐसे हम देखेंगे लॉग, LOG, लोगो वाला लॉग नहीं, लॉग, सिंपल लॉग, मतलब ये
मेरे दिमाग जैसे लोग वाला लोग भी नहीं है, इलोग्रिथम का शॉर्ट फॉर्म है लोग, राइट। अगर मैं बात करूं लोग वन की, किसकी बात करूं गाइज, लोग वन की, आज से आपको सारे लेक्चर्स लिखने हैं, कॉपी पेन के ऊपर लिखने हैं अच्छे तरीके से, और एक एक चीज को गाइज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। यहाँ पे एक एक बात जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें आने वाले हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूँ कि मैं अभी 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, राइट, यानी को मैं नीट के बच्चों को भी तैयारी करा रहा हूँ, वहां मैं उनसे लॉग की वैल्यूज निकलवाता हूँ, दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दी थिंग्स इन लॉग। 7th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, उसके बाद 12th में है मेरे पास 3rd चैप्टर, 12th के 3-4 चैप्टर है, 11th के भी 2-3 चैप्टर है जहां मुझे इस लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना मैं उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही खत्म कर दूं। वहां अगर मैं उसको चलाऊंगा तो वहां वो चीजें यार कॉन्सेप्ट चलेगा, साथ में ही अलग से मैथमेटिक्स चलेगा, पंगा करेगा ना यार, दिक्कत हो जाएगी ना यार तुम्हें। मतलब मैं उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स, कुछ 9th का डाटा, कुछ 10th का डाटा, वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में पढ़ती है किसी न किसी फॉर्म में, इसकी रिक्वायरमेंट यानी कि हेल्पिंग टूल है। दिस चैप्टर इज ए काइंड ऑफ हेल्पिंग चैप्टर टू लर्न अदर चैप्टर्स रादर देन दिस। हाँ, इस चैप्टर से पेपर में बहुत कुछ नहीं आता, डेफिनेटली इस चैप्टर से पेपर में बहुत कुछ नहीं आता, 11th में तो बेसिकली पूछे गए वो तुमसे, लेकिन ये चैप्टर रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। मेरे लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मेरे लेवल पे भी यानी कि मास्टर्स लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं गाइज। तो यानी कि ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। अक्सर लोग इसको स्किप करके चल जाते हैं, अरे छोड़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों को चैप्टर के साथ साथ सिखा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तुम पढ़ने वाले हो, वो तुम्हें आज बाखूबी तरीके से आए। और कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो बंदे मैथ वाले हैं वो मैथ में सीख जाएंगे अपने 11th क्लास में, और जो बंदे बायोलॉजी के हैं फिजिक्स में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है गाइज, फिजिक्स में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है फिजिक्स में भी इसकी। यानी कि ये आपको यहाँ तो हेल्प करेगा ही, मेरे तो काम का ही, फिजिक्स के भी काम का है, और फिजिक्स वाले सर भी आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, वो भी मेरे काम का है, वो मेरे लिए हेल्प करेंगे। मैं एक एक टॉपिक की आपस में सेटिंग है, ठीक है, उसको तुम टेंशन मत लेना। तो लोग वन की बात करते हैं, तो लोग जब इस वन के सामने हम ये लोग लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 0 में। यानी कि ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ, जैसे कि किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है गाइस, किसी भी चीज़ को पढ़ना होता है तो पहले हम उसके कुछ बेसिक बताए जाते हैं ना, यानी कि भाई ये तो है नहीं कि 1 का मतलब 1000 हो जाएगा, अगर आपके पास 1 रुपया है तो वो 1 ही रहेगा ना भाई, ऐसा थोड़ा ना है कि वो 1000 हो जाएगा, या आपके पास सपोज करो कोई दूसरी करेंसी 1 डॉलर है तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि भाई 1 डॉलर में इतने रुपये है, 1 डॉलर में इतने रुपये फिक्स करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बता सकूंगा, या तो बोलूंगा तेरे पास इतने रुपये है या बोलूंगा तेरे पास इतने डॉलर है। वही डॉलर रुपये का सिस्टम है, ये फिक्स है कि भाई 1 डॉलर में इतने रुपये ही हो गए, राइट। तो क्या करना है, लोग 1 की वैल्यू मानते हैं 0, लोग 2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.3010। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, यार इतनी सारी वैल्यूज रटनी पड़ेगी क्या, इतनी सारी वैल्यूज थोड़ा रट सकते हैं, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की। नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको सारी वैल्यूज नहीं रटनी, मैं केवल आपको लॉग 1 की वैल्यू बताऊंगा, लॉग 2 की, लॉग 3 की और लॉग 10 की, इसी से सारी वैल्यूज अपने आप निकल जाएगी, इसी से मैं सारी वैल्यूज अपने आप निकाल दूंगा गाइज, इसी से सारी वैल्यूज अपने आप निकाल दूंगा, निकालनी भी सिखाऊंगा। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 एंड सो ऑन, और लॉग 10 पे बात जाती है 1। यानी कि ये देखो कि जो चीज हमारे लिए यहाँ 10 होती थी उसके लिए वो केवल 1 ही है, यानी कि 10 के समान 1। बात समझ में आती है, यानी कि ये चल रहा है आपका लॉग, ये चल रहा है आपका लॉग 1 0, लॉग 2 इतना, और ऐसे वैल्यू यहां से लेके यहां तक लॉग 10 तक इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है गाइज, इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही आगे चलूंगा, निकालने सिखाऊंगा, केवल ये मुझे 4 वैल्यूज चाहिए पूरी लॉग की वैल्यूज को निकालने के लिए। एवरीथिंग आई कैन सोल्व विद दिस
विद दीज फोर वैल्यूज, राइट। आगे चलते, लिखने का मौका दूंगा, अगली स्लाइड में लिखने का मौका दूंगा, ठीक है जी। तो मैंने तुम्हें बताया कि लॉग वन की वैल्यू इक्वल टू होती है जीरो, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771 एंड लॉग टेन की वैल्यू होती है 1। अब इन्हीं से मुझे क्या करना है, इन्हीं सबसे मुझे अपनी लॉग की बाकी की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, उसके लिए मुझे पढ़ने पड़ेंगे सम बेसिक रूल्स ऑफ लॉग। क्या करना पड़ेगा गाइस, सम बेसिक रूल्स ऑफ लॉग, कुछ हमें लॉग्स के बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा गाइस। पहले रूल की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई भी नंबर m इंटू n की फॉर्म में है, m और n सेम भी हो सकते हैं, m और n अलग अलग भी हो सकते हैं, घबराओ नहीं, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना, अभी जस्ट इसको क्लियर करवाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे log m प्लस log n। ये फॉर्मूला जान लिया गाइस, जान लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कि इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना, अप्लाई कैसे करना है सर। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो कि आपको लॉग फोर की वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने कहा था केवल वन की वैल्यू ध्यान रखो, टू की याद रखो, थ्री की याद रखो, टेन की याद रखो, फोर की तो याद रखने के लिए नहीं बोला, फोर की खुद निकाल के दिखाऊंगा इन्हीं की हेल्प से, क्लियर है जी। लॉग फोर को आप क्या लिख सकते हो, लॉग टू इंटू टू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ, फोर को टू इंटू टू लिख सकते हैं। अब ये बन गया आपका एम और ये बन गया आपका एन, लॉग एम इंटू एन, इसको फर्दर कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, लॉग एम यानी कि लॉग टू प्लस लॉग एन यानी कि यहां पे भी लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू गाइस आप जानते हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, इसकी वैल्यू भी आप जानते हो वो कितनी होती है 0.3010। एडिशन करना तो हमें आता ही है, सिंपल चीजों का ऐड तो कर ही सकते हैं, ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.6020, यानी कि लॉग 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.6020। ये थी जी इस लॉ की एप्लीकेशन, यानी कि इस रूल की एप्लीकेशन ये थी जी। ये पहला रूल है, इसको डब्बे में कर लो गाइस बंद, राइट, डब्बे में बंद करो। आगे चलते हैं, ये लिख लो गाइस एक बार फटाफट, इसको एक बार लिख लो गाइस। आगे चलते हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन वी हैव बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कैलकुलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू लर्न दिस इन ए इजी वे, आई एम टीचिंग यू दिस, बहुत आसान तरीके से आपको ये सब कुछ सिखा रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। लिखने का तरीका बताता हूँ आपके लिए, शायद ये नया तरीका होगा। आपको क्या करना है, लिखने के लिए मैं आगे पीछे जा सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन बच्चा कितना तेज स्पीड से लिख रहा है, या मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग अ थिंग इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, राइट। तो आप क्या करना, आप पोज करके इसको लिख सकते हो, फिर मैं आगे चला जाऊँगा, राइट। आप इसको भी पोज करके लिख सकते हो, ठीक है, आप, मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा तुम्हें, कम से कम 10 से 15 सेकेंड, आप पोज करके लिख सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। इसको पोज करके अभी यहीं पे खत्म करो, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट रूल मैंने आपको करा दिया, पहले रूल पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, पहले रूल को खत्म करो।
राइट गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल की, अगर आपके पास कोई फॉर्म लोग m बाई n की फॉर्म में है, यहां पे किस फॉर्म में थी गाइस, m इंटू n की फॉर्म में, यानी कि दोनों की गुना थी, और यहां पे क्या है, दोनों का m बाई n है, यानी कि दोनों डिवाइडेशन में है, किस में है, डिवाइडेशन में, देन वी अप्लाई ए रूल लोग m माइनस लोग n। यहां पे क्या किया था, अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में हमने प्लस लगा दिया, और यहां पे अगर दोनों डिवाइडेशन में है तो हमने यहां पे माइनस लगा दिया। एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसका, सपोज कि आपसे कोई पूछे लोग 1/2 की वैल्यू क्या है, और आपको बोल सकता है लोग 0.5 की वैल्यू क्या है। 0.5 या 1/2 एक ही चीज है, जानते कि नहीं जानते, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, या तो 1/2 बोले या 0.5 बोले, हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस नंबर में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि m बाई n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना। अगर 0.5 है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2 में। अगर आपके पास log 0.2 है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे और अपॉन में 10 लगा देंगे, यानी कि log 2/10 बन जाएगा। राइट गाइज, ये भी मैंने इसकी m बाई n फॉर्म बना ली। इसको ही मैंने कैसे बनाया m बाई n फॉर्म में, log 5 को हटा लेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे, डिवाइड में 10 कर देंगे, 5/10 कर देंगे, और 5 से 10 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 1/2 ही बच जाएगा। ये शायद चीजें आपको समझ में आती है। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हमें अप्लाई करना है log m बाई n। ये है मेरा m और ये है मेरा n, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं log m यानी कि log 1 माइनस log 2। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, मैं आपको बता ही चुका, 0, और लोग 2 की वैल्यू 0.3010, यानी कि मेरे पास इसको सोल्व करके क्या आएगा, 0 में से अगर कोई भी चीज घटती है, ये 0 है, अगर इसमें से कुछ घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी कि वैल्यू किस में आ जाएगी, यहां -0.3010, यानी कि log 1/2 और log 0.5 वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास गाइज, 0.3010, यानी कि आई कैन राइट कि log 1/2 और log 0.5 इक्वल्स टू -0.3010, राइट। रूल क्या आया हमारे पास, रूल आया log m बाई n इक्वल्स टू log m माइनस log n। सेम आप log 2/10 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसको अगर आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, log 2 माइनस log 10, राइट। log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 10 की वैल्यू 1, यानी कि 0.3010 छोटा नंबर है, 1 एक बड़ा नंबर है, तो यहां क्या आ जाएगा, समथिंग माइनस में, और माइनस में कितना, आपको एक में से घटाना है 0.3010, और माइनस का आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको सिंपल सब्सट्रैक्शन के साथ लिख सकते हो गाइज, राइट। सिंपल सब्सट्रैक्शन के साथ उसको गाइज आप लिख सकते हो। इसको उतारे जी, इसको फटाफट उतारे, इसको फटाफट उतारे, और यहां पे आ जाएगा जी आपके पास 0.6990, राइट, यानी कि log 0.2 की वैल्यू होती है ये, और log 0.5 की वैल्यू होती है ये। क्या करना है आपको, सिंपल उसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट को हटा के नीचे डिवाइड बाय 10 कर लेना है, अपने आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है गाइज, इसको फटाफट से लिखेंगे, इसको जल्दी से लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। फॉर्मूला काम का ये है, इसी से आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला करके बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मिस सेलिनियस तरीके से भी सिखाऊंगा, इसको मिस सेलिनियस तरीके से कैसे करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ। रैंडम, हमें कैसे पता रहेगा कब कहाँ क्या करना है, दिखेगा हमें। याद रखना कि log 0.5 की वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। एक चीज दिखाता हूं, ये log 1 की जो वैल्यू है वो आती है जी आपके लिए 0, राइट।
लॉग वन की वैल्यू जो है वो आपके लिए जीरो आ रही है गाइस, और वन से छोटी वैल्यू अगर मैं रखूँ 0.5 तो इसकी वैल्यू आपके लिए आ रही है माइनस के 0.3010, और फिर अगर लॉग 10 की वैल्यू लेता हूँ तो आपके पास आ रही है गाइस वैल्यू 1। यानी कि आपका जो सिंपल नंबर सिस्टम होता था वहाँ 0 0 होती थी, वहाँ 0 0 होती थी, लेकिन यहाँ 1 पे 0 माना हुआ है। जो 0 हमारा एक्चुअल में 0 हुआ करता था, लॉग में उसे 1 के इक्वल रखा गया कि लॉग 1 होगा इक्वल टू 0। यानी कि हमने अपना नंबर सिस्टम एक कदम पीछे खिसका लिया, यानी कि अब जो 0 था वो भी नेगेटिव का हो गया। एक तो 0 है ही, यानी कि जो पहले 0 की वैल्यूज इधर आती थी वो तो नेगेटिव है ही, लेकिन 1 से 0 के बीच में जो वैल्यूज आती थी वो भी अब नेगेटिव ही होगी। कैसे? अगर आपने किया लॉग 0.5 तो ये वैल्यू आपकी आई 1 से 0 के बीच, लेकिन ये कैसी आई? नेगेटिव में आई गाइस। कैसी आई? ये नेगेटिव में आई, यानी कि आपने अपना नंबर सिस्टम जो वहाँ पे था वो थोड़ा खिसका दिया। क्लियर है? उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको लॉग में कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। हाउ टू डू कैलकुलेशंस विद लॉग, वी विल यूज 3 काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। एक बता चुका, एक ये रहा, एक ये रहा, एक की बात करते हैं आगे गाइस, इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, आगे चलते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं, आप इसको फ्रीज करके भी लिख सकते हैं। राइट, थर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास कोई वैल्यू m की पावर n में है, m की पावर n, तो उसका आप क्या करेंगे? उसको आप n log m की फॉर्म में लिख दे। किसकी फॉर्म में लिख देंगे बेटा जी? n log m की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि उसको हम लिखने वाले हैं n log m। ये रूल हमें बताता है, इसका बेटा जी एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल करेंगे। सपोज करो कि आपको लोग 100 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है गाइस? आपको लोग 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे 100 की वैल्यू? हमें तो नहीं पता लोग 100 क्या होता है। आइए इधर, 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं आप 100 को? 10 की पावर 2। ये तो जानते हैं कि किसको किस पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप 1000 को लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3। 1 के आगे अगर 40 है तो उसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 4। यानी कि 1 के आगे जितनी भी 0 है वही 10 की पावर बन जाएगी। 1 के सामने कितनी 0 है? 3, 10 की पावर 3। 1 के सामने कितनी 0 है? 4, 10 की पावर 4। 1 के सामने कितनी 0 है? 10 की पावर 2। यानी किसी भी सिस्टम को पावर में कन्वर्ट ऐसे किया जाता है। इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं गाइज इनको। क्या बोलते हैं गाइज? साइंटिफिक नोटेशंस। कैसे? इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? यहीं पे खत्म कर लेते हैं, जो जो चीजें चल रही है यहीं पे खत्म कर लेते हैं। हमारे बुक का ही टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। क्या टॉपिक है गाइज हमारे बुक का? साइंटिफिक नोटेशन। एक यकीन दिलाना चाहता हूं, आपने पहले भी पढ़ा है। आज आप इसको नाम से पढ़ रहे हो लेकिन आपने पहले ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा, मैं बोल रहा हूं पहले पढ़ा है, यकीन मानो मेरी बात का। आपने ये साइंटिफिक नोटेशन पहले ही पढ़ा है। देखो क्या होता है, सपोज करो आपने कोई चीज देखी। सपोज करो कि मेरे पास 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 10, 2 के सामने मैंने 10 0 लगा दी, कितनी सारी जगह घेरी इसने। इसको तो बोलना भी पहले क्या करेगा, जो उसको इंडिया में नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो उसको क्या बोलना शुरू करेगा? बोलेगा ना भाई इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं क्या बोलना शुरू कर देगा भाई रे, पागल ही हो जाएगा बोलता बोलता, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना। साइंटिफिक ने क्या किया, साइंटिस्ट ने किया कि इसको बदल के लिख देना यार। कैसे लिखना है? 2 × 2 को अलग कर दे। कितनी 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10, खत्म। इसको भी तो ऐसे ही लिखा, इस 1000 को क्या लिखा? 1। इसको लिखा अलग से 1, कितनी 0 थी? उनको 10 की पावर में लिख दो।
इसी को बोलते हैं गाइस साइंटिफिक नोटेशन। और आपने पहले कहां पढ़ा है, आपको याद दिला दूं? देखो आपने एक पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, क्या पढ़ा होगा आपने एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होता है 6.022 × 10⁻², ये नंबर आपने पढ़ा है 10³, यानी कि 6.022 के साथ में 23 जीरो लगी हुई है, इतने वर्ड पे आती शायद 10 यहां पे आई है 10-20 यहां से लेके यहां तक आती गाइस वो जीरो। लेकिन उसको अगर इस फॉर्म में लिख दूं, यानी कि इस फॉर्म में किसी चीज को नोट कर दूं, इस फॉर्म में किसी चीज को नोट कर दूं, इस फॉर्म में लिख दूं, इस फॉर्म में लिख दूं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस थिंग को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करो आपको 6000 को कन्वर्ट करना था साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या करना है 6 को अलग रखो, 6 मल्टीप्लाई कितनी जीरो है 3 जीरो, 10³ लिख दो, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। क्लियर है? अगर किसी चीज का तुमसे साइंटिफिक नोटेशन पूछा तो कर लोगे, जो भी वेरिएशन आएगा वो मैं तुम्हें करा दूंगा, अभी तो केवल सिंपल सा था। इसको बोलते हैं गाइस साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में 10⁻². अरे एक को गुना करके क्या करोगे यार, एक की गुना किसी से भी करो वही रहता है सिस्टम, बदल थोड़ा ना है। ये क्या बन गया जी आपका, ये आपका बन गया गाइज एम, और ये आपका क्या बन गया गाइज एन। तो क्या हो जाएगा अगर लोग m की पावर n है, क्या यार अगर लोग m की पावर n है तो क्या हो जाएगा वो n log n, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 log 10, और 2 log 10 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी 1, और 2 × 1 = 2, यानी कि log 100 की वैल्यू क्या आ चुकी गाइज, log 100 की वैल्यू आ चुकी 2, यानी कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम सो था, अपने नंबर सिस्टम सो था, लेकिन लोग उसको केवल 2 ही मानते हैं, कह रहा जा जो करना कर ले मुझे मत बोल, 1000 को निकालूंगा 3 आ जाएगा, जितनी जीरो लोग में तो वही वैल्यू आ रही है, अब तो सिंपल दिख गया 2 जीरो 2, अगर 3 जीरो के लिए निकालोगे, अगर तुम लोग निकालो लोग 1 × 1000 तो क्या कर दोगे इसको लोग 10³, क्या लिखोगे 3 log 10, क्या हो जाएगा 3 × 1, और वैल्यू क्या जाएगी 3, यानी कि लोग 1000 की वैल्यू कितनी आ चुकी गाइस 3 आ चुकी। क्लियर है? सेम अगर आपसे बोले लोग 10000 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे लोग 1 10³ 4, 1 2 3 4, m³ n, n log m, 4 × 1 = 4, यानी कि लोग 1000 की वैल्यू कितनी आई गाइस 4 आई, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस एग्जांपल को देखो 2 जीरो थी वैल्यू 2 आई, इस एग्जाम्पल को देखो 3 जीरो थी 3 आई, 4 जीरो थी 4 आई, यानी कि एक के आगे जितनी भी जीरो वही उसकी लोग में वैल्यू। इस रूल को गाइस लिख लो, साइंटिफिक नोटेशन भी मैंने बता दिया क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते चीजों को, उनकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना, 10⁻² के फॉर्म में लिखना होता है साइंटिफिक नोटेशन। आप किसी भी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और सिलेबस का हिस्सा इसलिए है, वहां नहीं पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ाया था एवोगैड्रो नंबर, झूठ नहीं बोलना है सच बोलना है, मैं बताता हूँ वहां पे आपको मोल के बारे में बताया था, एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताया था, और एक ऐसा नंबर पढ़ा था है ना, अरे क्या कर रखा, ये साइंटिफिक नोटेशन ही तो है उस चीज की, अगर साइंटिफिक नोटेशन ना होती तो इतना बड़ा नंबर लिखना पड़ता ना भाई, अब उसको ऐसे लिख दिया, किसी भी नंबर को इस 10⁻², यानी कि x × 10⁻²y इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन, लिख लो गाइस। ये हमारा थर्ड रूल आया, इस थर्ड रूल को आप लिख लो,
अरे बहुत बड़ी चीज नहीं थी, कभी इसको देख के डर जाओ, ये सिंपल ही चीज है, साइंटिफिक नोटेशन सिंपल चीज है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है भाई, हमें सिखाया गया है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में। जब आपने बुक खरीदी होगी या खरीदोगे कुछ दिनों बाद, या जो भी है आपके किसी बड़े भाई छोटे भाई बड़ी बहन छोटी बहन जिसकी भी आपके पास बुक है, आप उसमें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक टर्म दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन करना। ठीक है गाइस, छोड़ूंगा कुछ नहीं, भले ही तुम्हें नीट जेई से आगे तक का लेवल करा दूं, किताब से बाहर जरूर ले जाऊंगा, लेकिन कम नहीं कराऊंगा, वादा है मेरा। चाहे तो मैच कर लेना, मैच कर लेना, बाहर भले ले जाऊं लेकिन सिलेबस को तो खत्म करूंगा ही करूंगा, नीट जेई को भी खत्म करूंगा साथ के साथ, बताऊंगा कहां से कहां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं उस फॉर्म में, पढ़ने पड़ते हैं, समझना पड़ेगा आपको उस चीज को, है ना, क्वेश्चंस करने होते हैं ऐसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट जेई में, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, पीएच वीएच निकालने के क्वेश्चंस में लोग ही लोग चलता है, अरे उसका तो फॉर्मूले में ही लोग आ जाता है, खत्म ही होगी कहानी, लोग मर लो डूब लो, राइट, लिख लिया होगा। अब गाइज कुछ करते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि कोई मुझसे पूछे लॉग 6400 की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझसे क्या पूछे कि लॉग 6400 नहीं की 6400 की वैल्यू क्या होगी, अरे यार कैसे करूं, कुछ नहीं करना आपको, उसको सिंपल सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते चला जाना है। आप लॉग 6400 क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 64 × 100, एक ही तो बात है, 64 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये नंबर आएगा, क्लियर है जी। ये क्या बन चुका, लॉग एम प्लस एन बन चुका, क्या बन चुका, ये लॉग एम इंटू एन, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग क्या बन जाएगा, ये लॉग 64 प्लस लॉग 100, क्लियर है, लॉग एम इंटू एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, राइट है जी। लॉग 64 को क्या लिख सकते हो, लॉग 64 को लिख सकते हो, तुमने क्यूब्स वगैरह पढ़े हैं, क्यूब्स वगैरह निकालना ये सब पढ़ा है, किसका कितना क्यूब होता है, तो अगर आप 4 × 4 × 4 करोगे तो आपको 64 मिल जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि वी कैन से 4³ = 64, वॉट आई कैन से कि 4³ = 64, यानी कि हम 64 को 4³ के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस लॉग 100 की वैल्यू तो आपने निकालना सीख ही चुके, ये तो आप, ये तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में सिखा ही दिया, लॉग 100 की वैल्यू तो निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया, ये नहीं सिखाया हुआ है, यहां पे निकालना सिखाया आपको मैंने कि किस तरह से हम लोग 100 को निकालेंगे, जितनी भी जीरो उसके सामने आएगी वही होगा, राइट। यहां पे मैंने आपको लोग 1000, लोग 10000 के बारे में भी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं लोग 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी गाइस, 2 आ चुकी, लोग 4³ 3 3 लोग 4, लोग एम की पावर एन लग गया यहां पे, लोग एम की पावर एन, एम की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, एन लोग एम प्लस 2, फर्दर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लोग लिख सकते हो 2² प्लस 2, क्लियर है, 3 × ये फिर से क्या बन गया, लोग m की पावर n, कितनी बार भी अप्लाई करो आप अपने रूल कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, आपको तो बस केवल उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जितना आप जानते हो, इन तीन रूल की फॉर्म में ही आपको कोई भी सवाल करना है, कोई भी लोग की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बात समझ में आती है, यानी कि 3 × log 2² क्या हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 2 log 2 + 2, इसके बाद 3 × 2 = 6, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने बस आपको बोला कि इसको याद करना है, 0.3010 + 2, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 6 1 जा 6, 6 की फिर से 0 में 0, और 6 3 जा 18, 1.8060 + 2, यानी कि लॉग 6400 जो आया सोल्व करने के बाद वो आया 3.8060। गाइज दिस इज अवर आंसर,
ये हमारा आंसर है, यानी कि इतने बड़े नंबर को केवल पता है क्या बोलता है, कहता 6400। अरे ये तो 3.8060 के बराबर है, इससे ऊपर ना जाना। खत्म कर दी उसकी कहानी, डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है इसको लिखो ऐसे करना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। इसको करो, आएगी ये 11th में जब तुम्हारे स्कूल्स में एग्जाम होते तब पूछते हैं, और तब तुम क्या यार ये लोग क्या है यार, ये तो बताया ही नहीं किसी ने यार, यार पता नहीं कौन सी खतरनाक सी चीज है, कोई खतरनाक वतरनाक नहीं है। लिखो फटाफट, ठीक है गाइस आगे चले। आगे चले गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ log 2 इंटू 10^10। लो जी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बोलता है कि log 2 इंटू 10^10 का आंसर बताओ क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या करना है, log 2 इंटू 10^10 m, और ये पूरा नंबर किसके बराबर है, n, log m इंटू n। फर्स्ट रूल क्या था, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n, तो क्या लिख देंगे इसको, log m प्लस log n, n क्या है 10^10। खत्म करो, इतना काम खत्म हुआ। उसके बाद log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3010 प्लस log 10^10, ये फिर से क्या बन गया m, और n ये किसकी फॉर्म बन चुकी, m की पावर n, किसकी फॉर्म बन चुकी, m की पावर n। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n log m, यानी कि 10 log 10, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे, 10 log 10 0.3010 10 log 10 की वैल्यू 1। आगे चले 0.3010 और 10 इंटू 1 10, यानी कि log 2 इंटू 10^10 इक्वल्स टू 10.3010। गजब भेज दिया भाई, 2 × 10^10 यानी कि 2 के आगे 10 जीरो, पता उसको क्या बोल रहा है, 10.3010, इससे आगे मानता नहीं, जो जो करना था वो कर ले जा। तो ये गेज गाइस क्या है, स्केल है एक तरह की, सॉल्यूशन करने में काम आएगी, यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करके दे देगा हमें, ये आइडिया लगाने में हमारी मदद करेगा, हमें बताएगा कि कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो गाइस।
चले आगे गाइज, आगे चलते थोड़ी सी और खतरनाक वैल्यूज निकालते। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर थ्री में बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0.2 × 10⁵। क्या बोलता है गाइज? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0.2 × 10⁵। लॉग 0.2 × 10⁵। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते हुए ध्यान रख क्या रखना है, ये हमारा सॉल्यूशन लॉग 0.2 × 10⁵ m, m बना है और ये पूरा क्या बना है, n बना है। log m into n, log m into n किसके बराबर हो जाएगा, log 0.2 प्लस log 10⁵ के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये दोनों वैल्यूज हम log m into n को log m प्लस log n की फॉर्म में गाइस लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था अगर कोई वैल्यू डेसिमल में है, कोई वैल्यू अगर डेसिमल में है तो उसका डेसिमल रिमूव करेंगे और उसके अपॉन में 10 लिख देंगे। क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे और अपॉन में 10 लिख देंगे। डेसिमल रिमूव करने का एक एग्जांपल और दिखाता हूं, जैसे कि 0.1 है, 0.1 पॉइंट को रिमूव किया 10 कर दिया, यानी कि 0.1 = 1/10। अगर है 0.25, क्या है 0.25, तो पॉइंट रिमूव किया और अपॉन में, अब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो गए उतनी जीरो नीचे लगेगी। कितने नंबर है, एक नंबर दो नंबर, तो दो जीरो नीचे लग जाएगी। अगर होता 0.312 तो ये पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो लगेगी एक के सामने, एक दो तीन, एक दो तीन। यानी कि इस तरह से हम डेसिमल को रिमूव करते हैं। अभी तक तो केवल मेरे पास एक ही नंबर था आगे, यानी कि पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर था, तो मैं केवल एक ही जीरो लगा रहा हूं। आगे से ध्यान रखना कि हम इन फैशंस में ही अपने डेसिमल को रिमूव करने वाले हैं जब हम अपने न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन करेंगे। गाइज बुक वन में कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट न्यूमेरिकल्स नहीं होगी, और मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं कि ये कैलकुलेशन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर कोई बायोलॉजी में है और ये सोचता है कैलकुलेशन ना करूं काम चल जाएगा, तो भूलना, ये भूल के भी सोचना मत, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। पर तुम्हें कैलकुलेशन की ऐसी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा कि तुम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को वेरिएशनल मेथड से सिंपल टर्म्स में कर सकते हो फटाफट फटाफट। अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखाऊंगा तुम्हें कैलकुलेशंस का, बड़ा प्यारा होता है, मैंने खुद बनाया हुआ है। राइट, ये बन चुका किसका फॉर्म गाइज, एम एन, एम की पावर एन, क्या गाइज, एम की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा, 5 log 10, क्या हो जाएगा गाइज, ये 5 log 10। और ये किसकी फॉर्म बन चुकी, एम बाई एन की, ये किसकी फॉर्म बन चुकी, एम बाई एन की। हमें केवल फॉर्म्स को जनरेट करना है, जो हमारे तीन फॉर्मूलाज है ना उन्हीं की फॉर्म्स में हमें थिंग्स को जनरेट करना है गाइज। जैसे मर्जी जनरेट कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। उन तीन फॉर्मूला, या तो m गुना n, या m बाई n, या m की पावर n, इन तीन चीजों में आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपके पास आंसर आपके कदमों में होगा। तो इसको क्या करेंगे, log 2, log m बाई n इक्वल्स टू log m माइनस log n, log 2 इक्वल्स टू log 10 प्लस 5 × 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010 माइनस 1 प्लस 5, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको तुम्हें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी होगी। सॉल्व करें गाइस, ठीक है जी, वो तो केवल मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था, इसको आगे लिखते हैं। यानी कि मेरे पास आया 0.3010 माइनस 1 प्लस के 4, तो प्लस के 5 है माइनस का 1 है, तो सिंपल पहले मैं लिख लेता हूं 0.3010, राइट, 5 में से 1 गया तो प्लस के 4 आ गए, और ये क्या जाएगा 4.3010 इज आवर आंसर। पहले 5 में से 1 घटा लिया और फिर उसमें 0.3010 तो प्लस का था ही, ये तो प्लस का है ना, ये माइनस 1, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले माइनस 1 प्लस 5 को सॉल्व कर लिया,
पांच प्लस का है, माइनस एक छोटा है, तो प्लस के पांच में से माइनस एक गया तो कितना बचेगा, प्लस का चार बचेगा, और चार में जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, 4.3010। ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस गाइस करा दिया, ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्म्स बना के दिखाई है कि कैसे हमारे पास फॉर्म्स बनी हुई है ना, लोग एम वाई एन की फॉर्म मैंने आपको बना के दिखाई हुई है गाइस, क्लियर है जी, फटाक से लिख दो। अब देखो कैसे रुकते हैं सवाल, अरे जब पहले ही तुम्हें चीजें इस तरीके, पहला चैप्टर ही छुड़वा देता है भाई आदमी, बोलता है यार ये क्या पढ़ाना, क्यों केमिस्ट्री का बंदा होता है, मैथ आता नहीं, लेकिन मैं मैथ को छोड़ता नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स से करके आया हूँ अपनी ट्वेल्थ को, मुझे तो मैथ बहुत अच्छे से आता है, छुड़वाऊंगा नहीं। अरे जो चीज नहीं आती उसको एज ए चैलेंज करना चाहिए, जिद के साथ करूंगा, बहुत हार्ड थोड़ा ना है, अरे कौन सा मैं तुमसे बड़े बड़े क्वेश्चंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, सरफेस एरिया, ये सब निकलवा रहा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अप्लाई करना सिखा रहा, खत्म, क्योंकि मेरे काम का है, इतना तो कर सकते हो यार, ये इसमें क्या किया, सिंपल सिंपल वैल्यूज रखी तुमने, ठीक है जी, इसको फटाफट लिखो, आगे चलते हैं फिर। इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे, ये हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर रहे हैं, लॉग में कैलकुलेशंस करना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, लॉग में कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, राइट, इस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और नई चीज सीखनी है लॉग के बारे में, एक और लास्ट, ये लॉग की लास्ट है, ठीक है। क्या करते हैं, सपोज करो अब तक तो तुम्हारे पास लॉग में नंबर आ रहा था, यानी कि लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग टेन, एनीथिंग, जो भी तुमने वहां पे देखा वो तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन सपोज करो कि कोई मुझसे पूछे लॉग एक्स इक्वल्स टू वन है, क्या है लॉग एक्स इक्वल टू, मान लिया लेट 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 लॉग एक्स इक्वल्स टू वन, और तुमसे पूछे बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या पूछे तुमसे वो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट, सिंपल रूल है, देखिए एक चीज छुपी हुई है इसके अंदर, वो छुपी हुई चीज दिखा दूं क्या, दिखा दूं, ये लोग जो x लिखा है अब तक हमने इसका, अब तक जितना ही मैंने तुम्हें पढ़ाया थोड़ा सा इनकम्प्लीट नोटेशन सिखाया, क्या सिखाया गाइज, इनकम्प्लीट नोटेशन सिखाया, ये लोग जब जब लिखा जाता है इसके बेस में यहां 10 छिपा होता है, क्या छिपा होता है 10, यानी कि अगर मैं लोग 100 की बात कर रहा हूं तो लोग 100 तो लिखा ही है, यहां बेस पे 10 भी लिखा है, अगर मैं लोग 2 की बात कर रहा हूं तो 2 तो है ही, यहां बेस पे 10, इसका फर्क कुछ नहीं पड़ता, रूल्स तो वैसे सेम ही है, एक बेस चल रहा है कि लोग की वैल्यू किसी आधार पे चल रही है, वो आधार क्या है, वो आधार है 10, यानी कि ये बताना, ये आधार कहां से आया, ये आधार कहां से आया, ये आधार बता रहा है कि लोग 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि जब जब आप लोग 10 पढ़ते हो 10 बेस पे तो इसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है 1, क्या आती है इसको सोल्व करके वैल्यू 1, लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस में 10, लॉग 10 बेस, यानी कि ये जो 10 बेस बोल रहा हूँ ये बेस वाला 10 है 10, और कोई भी नंबर हो दुनिया में, यूएस में पढ़, चाइना में पढ़, अमेरिका में पढ़, भारत में पढ़, जापान में पढ़, नीदरलैंड में पढ़, अफ्रीका में पढ़, कहीं भी पढ़, अगर लोग लिख दिया, अगर ये लोग किसी ने लिख दिया और यहाँ कुछ भी नंबर डाल दिया, मुझे नहीं पता वहाँ 10 लिखे या ना लिखे, तुम्हें मान लेना है कि यहाँ 10 ही है, है 10, 100 के 100% है 10, क्या है 100 के 100% वहाँ पे 10 छिपा हुआ है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है जी, 10 की यहाँ पे 10 बेस है, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है,
कुछ नहीं करना, मॉडिफाई लोग खत्म करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को खत्म कर रहे हैं। खत्म कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो मान के खत्म करना पड़ेगा ना भाई। तो लोगों को खत्म कैसे किया उन्होंने, कि जो यहाँ पे 10 है ये तो चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वल में जो भी नंबर है, जो भी नंबर है वो 10 की पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर 1। 10 क्या था, ये था बेस ऑफ लॉग, क्या था ये, बेस ऑफ लॉग, और ये 1 क्या था, जो वैल्यू उसके बराबर लिखी हुई थी, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी गाइज 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 का मतलब वैल्यू कितना होता है 10, यानी कि यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10। अगर मैं इस पे लॉग लगाऊं, क्या लगाऊं इस एक्स पे लॉग, ये तो आंसर आ गया, ये तो आंसर आ गया। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगाऊं, ऑन अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, चेक करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वो सही भी पढ़ाया कि तुम्हारा पागल बना दिया। ऑन अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करो। जब लॉग को दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, लॉग एक्स लॉग 10, दोनों जगह लॉग लॉग लगा दिया, लॉग एक्स तो एक्स ही रहेगा क्योंकि हम तो जानते ही नहीं इसकी वैल्यू, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो जो सवाल पूछा था वही इससे बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ जादू हो गया नहीं हो गया। ये तो सवाल पूछा था लॉग एक्स इक्वल्स टू 1, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया लॉग एक्स इक्वल्स टू 1, लेकिन बेस में 10 जरूर चल रहा है, यानी कि ऑन अप्लाइंग लॉग 10 बेस बोथ साइड्स, 10 बेस 10 बेस 10 बेस 10 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मान के चलना है कि 10 वहां पे है। क्लियर है गाइज, इसको फटाफट लिख लो। जड़ी बूटी बता दी तुम्हें, बहुत खतरनाक चीज बता दी, यानी कि एक बात इसका इसका शॉर्टकट फॉर्म में लिख दूं, लॉग 10 बेस m इक्वल्स टू n, देन m इक्वल्स टू 10 की पावर n, खत्म, गया 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 खत्म। ये है, ये है, ये 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 10 की पावर में चढ़ा दो, जो भी बराबर में लिखा है उसको 10 की पावर में चढ़ा दो, आंसर आ जाएगा, राइट है। बहुत बेसिक क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, इसकी कम से कम 4 चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, मुझे ही केवल इसकी 4 चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, 4 चैप्टर में खत्म, यानी कि 4 चैप्टर में ये सब कुछ आने वाला है। पहले में भी आएगा, फिर सेकंड में आएगा, उसके बाद फिर सिक्स में आएगा, सेवन्थ में आएगा, थोड़ा सा फिफ्थ में भी आएगा। इसको लिखो गाइस, फटाफट लिखो, मजा आ गया कि नहीं आ गया, ये मैंने चेक किया है, ये क्या है, चेकिंग है कि जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो सही है कि गलत है, चेकिंग, पुलिस ने चेक करके दिखा दिया, ये पुलिस आई चेक कर दिया, बता दिया कि हाँ भाई जो तुमने पढ़ाया वो सही पढ़ाया, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब किसी अपने बड़े भाई से पूछना जो 12th में है, उसको भी ना पता होगा, डर जाएगा, वो कह रहा क्या कर रहा है यार ये, तू कहाँ से ला रहा है ये कॉन्सेप्ट, मुझे क्यों डरा रहा तू, है ना, ये आ चुकी एक्स की वैल्यू। ठीक है जी गाइज, आगे चले जी, आगे चलते हैं, इसको फ्रीज करना, लिख देना आगे, कुछ एक दो ऐसी वैल्यूज और निकालते, इससे तुम्हें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है जी, एग्जांपल लेके चलते हैं, नया एग्जांपल लेके कौन चलते हैं गाइज, गिवन लॉग 2x इक्वल्स टू 3 और लॉग 2x इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन दे दी एंड बोल दिया, यानी कि सॉल्व करते करते तुम्हारे पास ये बन गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे, आपको तो पता है कि यहाँ बेस में 10 छिपा हुआ है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, लॉग 10 बेस m इक्वल्स टू n, देन m इक्वल्स टू 10 की पावर n, m क्या है यहाँ पे 2x है, m क्या है यहाँ पे 2x है,
या आप अभी इसको फर्दर सोल्व कैसे करोगे? अभी रुको, हमें तो केवल x की पावर चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लॉग 2x को क्या लिख दोगे? लॉग 2 प्लस लॉग x इक्वल्स टू 2। क्लियर है जी? साफ। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 प्लस लॉग x इक्वल्स टू 2। फिनिश, खत्म, गया। क्लियर? लॉग x इक्वल्स टू 2 माइनस 0.3010, 2 में से 0.3010 1.6990 किसके बराबर आ गया? लॉग x के बराबर आ गया। 10 बेस पे चल रहा है सिस्टम। किस पे चल रहा है गाइस? ये सिस्टम 10 बेस पे चल रहा है। और 10 पे क्या हो जाएगा? लॉग, अगर इसके इसके बाद बस एक लाइन लिखनी है, 10 की पावर जो भी ऊपर आया 1.6990। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। खत्म हो गया, गया सवाल। x को आइसोलेट कर लो, बस x को अलग आइसोलेट कर लो, ठीक है जी? 10 की पावर 1.6990। लिख लिया गाइस? क्लियर है? इसका एक तरीका और है, और भी शॉर्ट तरीका। क्या था? लॉग 2x इक्वल्स टू था 2। क्लियर है जी? तो सिंपल यहीं से बेस ले लो, यानी कि 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की पावर 2, और 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 1.699 की वैल्यू भी यही होती है। फिफ्टी इज इक्वल टू 10 की पावर 1.699। ये आप अपने घर में कैलकुलेटर से सोल्व करके देखना। कैलकुलेटर में जाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर को ओपन करना, 10 की पावर 1.699 को खोलना, वहाँ से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। 10 की पावर में लिखना था ऐसे लिख लो, सिंपल लिखना था ऐसे लिख लो। बात एक ही है, ये और x इक्वल्स टू 50 बोथ आर सेम थिंग। ये लिखो ऐसे करना है ऐसे करो, ऐसे करना ऐसे करो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। तुम्हें ये वाला तरीका ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम x की वैल्यू डायरेक्ट जान जा रहे हो। ठीक है जी? ये सॉल्व कर लिया, ये हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट हो गया गाइज ख़त्म। क्या हो गया गाइज? ये हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट हुआ ख़त्म। आपको अगर एक क्वेश्चन और करना है तो मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? कि आप निकालो लॉग 2x इक्वल्स टू 2 वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना, यहां 10 बेस चल ही रहा है ना क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? 0.2x इक्वल्स टू 10 की पावर 2, है ना? क्या हो जाएगा? 0.x इक्वल्स टू 10 की पावर 2 और 0.2 इंटू एक्स। 0.2x मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 0.2 इंटू एक्स यानी कि 0.2x इक्वल्स टू 100 और x इक्वल्स टू 100, ये डिवाइड में आ जाएगा 0.2। और मैंने बताया था पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर जितने भी न्यूमेरिक पॉइंट के बाद है उतनी एक के सामने जो लगा के लिख देगा, यानी 10 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा गाइस? x इक्वल्स टू 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 100 इंटू 5, और x की वैल्यू क्या जाएगी गाइस? 500। क्या जाएगी इसकी वैल्यू? 500। इसको भी लिख लिया गाइस। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल विद कैलकुलेशन विद लॉग्स, कैलकुलेशन
विद लोग दी एंड। एक टॉपिक हमारा खत्म। कैलकुलेशन ऑफ लोग को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि लोग से होने वाली कैलकुलेशन जितने भी हमारे काम की थी वो हमने आज खत्म कर ली। आपसे चाहता हूँ अलविदा, आप इसको कर ले। आपसे चाहता हूँ गाइस अलविदा, कल एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, एक नए केमिस्ट्री के प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलूंगा। कल ये भी हमारी क्लास का काम था, नेक्स्ट भी हमारे क्लास का काम है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और शायद आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लाइफाई लर्निंग ऐप के माध्यम से। मैं आपको वहाँ मिलूंगा, आपके हर सवाल का वेलकम है और आपके हर सवाल का वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। आज इतना ही कह के ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास में गाइस फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।